सो फ्रेंड्स, हमारा सेकंड चैनल भी आ चुका है जो आपको पैनी गुरुजी के नाम से मिलेगा। यहाँ पर आपको जो है ना पैनी स्टॉक्स ही रेकमेंड किए जाते हैं बाय करने के लिए। जो अच्छे पैनी स्टॉक होते हैं वही हम जो है यहाँ पर चूज करके लाते रहे हैं। तो ये स्टॉक आपको जो है ना आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकते हैं। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो स्टॉक होते हैं वे हम लेकर आते हैं। तो आप जो उस चैनल को जाकर विजिट कर सकते हो, इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पर जाकर आप जो इसको विजिट जरूर करना। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर डीके। एंड आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं वो वीरम सिक्योरिटीज लिमिटेड। जी हाँ, आप देखोगे जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर कंपनी है और करंट प्राइस 47 रुपये पहुँच चुका है। और आज फिर से स्टॉक के अंदर हमें अप्रोक्सीमेट 5% का यूसी देखने को मिला है। आप देखोगे स्टॉक जो है लगातार रिटर्न निकाल कर दे रहे हैं। जी हाँ, लगातार भागे जा रहे हैं। तो भाई स्टॉक के ऊपर खतरे भी बहुत ज़्यादा है, इतने ही ज़्यादा खतरे भी मंडरा रहे हैं। ऊपर में आप देखोगे मैंने इसका आपको टारगेट दिया था, पहले आपको दिया 41, लेकिन स्टॉक ऊपर में 41 को भी काट गए हैं। अब आ चुका है 47 तक। ऐसे में ऊपर में इसके क्या टारगेट रहने वाले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको इसका ऊपर में जो टारगेट निकला है वो 52 निकल चुका है, लेकिन भाई गिरावट के चांसेस जो ऊपर से बन रहे हैं ना वो 70% बन भी रहे हैं। जी हाँ, 70% चांसेस गिरावट के भी बन रहे हैं। तो अगर आप देखोगे, अगर ऑपरेटर ने मंडे को ही वो आप देखोगे प्रॉफिट बुक कर लिया ना, तो वहाँ से ऊपर से करेक्शन होगा, लाजिम ही होगा। तो भाई आप संभलना आपके हाथ में है, आपको सेल करना है, बाय करना है, होल्ड करना है, वो आपकी मर्जी है। देखो हमारा काम है आपको राय देना, अगर आपको लेनी है तो अच्छी बात है। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आएंगे मेरे को पता है। आप देखोगे मैंने गैलेक्टिको कॉरपोरेट के बारे में बहुत सारी वीडियोज़ डाली थी, बहुत ज़्यादा अवेयर किया था। कल भी बोल दिया था कि 70% चांसेस गिरावट के बन रहे हैं। गोधा के बारे में बोला था कि 70% चांसेस गिरावट के बन रहे हैं, लेकिन ऑपरेटर क्या पता भाई इसको 15 रुपये तक भी लेकर जा सकते हैं। ऊपर में जाने को कुछ भी नहीं है। ये स्टॉक आपको आज देखो 47 रुपये देखने को मिल रहे हैं ना, ऊपर में टारगेट इसका 52 निकला है, वहाँ से करेक्शन हो सकता है। कि मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, करेक्शन हो सकता है। क्या पता ऑपरेटर यहाँ से आपको ये स्टॉक जो है 100 रुपये तक भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो गिरावट के चांसेस बन रहे हैं ना वो 70% बन रहे हैं भाई। तो थोड़ा जो गिरावट का जो पल रहा है ना वो थोड़ा भारी है, तो संभल कर चलो। आप देखोगे पर डे बग डिले हो रही है, तो ज़बरदस्त ऑपरेटर गेम चला है भाई। तेज़ी का कारण कुछ भी नहीं है, तेज़ी का कारण जो इसके अंदर पंप आया ना, ये यहाँ पर लगने वाली वॉल्यूम है भाई। आप ये समझो कि ये तेज़ी क्यों आ रही है, ये जो वॉल्यूम यहाँ पर लगने लग रही है ना, सबसे बड़ा रीज़न यही है भाई तेज़ी का। ये वॉल्यूम के कारण इसके अंदर पंप आ रहा है, इसके अंदर पंप लाया जा रहा है ना कि आया है। तो बात करें इसके प्रीवियस रिजल्टों की, तो वहाँ पर आप देखोगे इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। क्वार्टर वाइज क्वार्टर हमें जो रिवेन्यू में गिरावट देखने को मिली है, अगर बात करें प्रॉफिट की तो प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है भाई। तो कहाँ से ये स्टॉक तेजी के साथ भाग रहा है भाई, क्या रीज़न इसका भागने का वो समझो आप। ठीक, थोड़ा दिमाग लगा कर चला करो यार, ऐसे स्टॉकों में क्यों फंसा करो। आपको पता है प्रॉफिट हो चुका है, ठीक अच्छी बात है, 30% हुआ है, 50% हुआ है, 60% हुआ है, तो प्रॉफिट बुक करो और बाहर निकलो, सेफ हो जाऊँ। अदरवाइज़ फिर आप देखोगे LC लगेगा ऊपर से, फिर आप मेरे पास कमेंट करोगे कि शेयर सेल कैसे करें, शेयर सेल कैसे करें, फिर शेयर सेल होने नहीं आपके। स्टॉक ने रिटर्न भी अच्छा निकाल कर दिया है, देखो भागा भी है, तो भगाया गया भाई इसको, भागा नहीं भगाया गया। आप देखोगे 27 जुलाई को 42 पर बग डील हुई थी, शेयर सेल किए गए थे, परचेज भी किए गए हैं। मैंने कहा था सेल किए गए, परचेज भी किए गए हैं भाई। आप देखोगे 2 लाख, जी हाँ 2,28,000 जो शेयर थे वो सेल किए गए हैं, और उसके पहले आप देखोगे 2,96,000 जो शेयर थे वो परचेज किए गए हैं, और उससे पहले आप देखोगे 22 जुलाई को भी, 16 फेब को, ये तो पहले की बात है, जुलाई के अंदर जो है इसके अंदर ऑपरेटर गेम स्टार्ट हो चुका है। तो भाई संभलने का मौका आपके हाथ में है, अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर आप रोओगे, पछताओगे, बुरे रहोगे। जैसे गैलेक्टिको गया, अब मेरे पास मैसेज आ रहे हैं ना सर कैसे निकले बाहर, भाई उसके अंदर से बाहर निकलना अब मुश्किल है। स्टॉक आपको गैलेक्टिको देख लेना 40 से 30 रुपये के आसपास आते देखने को मिलेगा, और वहाँ से फिर से क्या पता शायद ही हमें तेज़ी देखने को मिले। वहाँ से आप देखोगे तेज़ी देखने को मिल सकती है, 40 रुपये के आसपास आ सकता है स्टॉक, और वहाँ से तेज़ी आ सकती है। लेकिन यहाँ से अगर ये स्टॉक टूटा ना, विराम स्टॉक ऊपर से टूटा, तो स्टॉक आपको जो है ना वही 25 के आसपास आते देखने को मिलेगा। तो भाई संभलना आपके हाथ में है, आपको क्या करना है देखो, बाय सेल करना है आपकी मर्ज़ी, होल्ड करना है तो आपकी मर्ज़ी, वो आप पर डिपेंड करता है। आपको अगर सलाह माननी है तो अच्छी बात है, मेरे को पता है ये वीडियो देखने के बाद नेगेटिव कमेंट भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन आए जाओ भाई, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है आपको समझाना, अगर समझना है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझे तो भी अच्छी बात है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।